today we are going to discuss about the fw taylor contribution in previous video we have discussed about the principle of scientific management you know that fw taylor is also called the father of scientific management theory okay so in this video now we will discuss about the about his contribution now let us discuss first point he has applied the principle of scientific management to solve the problems of management okay you know that there are many problems in um, in management so to solve that pro uh, problem he has he has advocated for the uh, principle of scientific management okay next point it is the duty of the management to tell the employees about the expectation of management from employees बिसाइड्स द मैनेजमेंट शुड स्पेसिफाई द वे थ्रू विच द जॉब इज़ टू बी कम्प्लीटेड तो उन्होंने क्या बताया मोटा मोटी कि एक मैनेजमेंट को इम्प्लाई से उसके वर्कर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है और उसको फिर फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस जॉब को कम्प्लीट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं ओके नेक्स्ट he was the first person who supported mental revolution both on the part of employee and employer. okay, mental revolution की बात की है mental revolution का मतलब होता है change in thinking. अब जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई एक जीरोक्स मशीन है फोटो कॉपियर मशीन है जो कि मैनुअल काम करता है अभी नया फोटो कापियर मशीन लाया गया जो कि काफ़ी ऑटोमेटिक है है ना काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी पे तो उसमें जनरली होता क्या है लोग बोलेंगे अरे क्या ला दिया ये तो मतलब नहीं टिकाऊ नहीं है फलाना डिकाना बहुत सारे चीज़ लोग बोलते हैं तो ये होता है लोग मतलब कि एडामेंट होते हैं जो जो सिस्टम पे काम करते उसी पे एडामेंट रहना चाहते वो चेंज नहीं चाहते हैं तो लेकिन एफ़डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि चेंजिंग जरूरी है है ना तो चेंजिंग कैसे होगा जब आपका माइंडसेट चेंज होगा तो माइंडसेट चेंज किसका होना चाहिए एम्प्लॉयर का भी होना चाहिए और इम्प्लाई का भी होना चाहिए क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में होता क्या है नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई होते हैं साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं तो साइंटिफिक मेथड को यूज कब होगा मतलब जब आपका दिमाग ही मतलब उस तरफ नहीं जाएगा आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वही चेंज नहीं होगा तो फिर नए टूल्स एंड टेक्निक्स या साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी वर फर्स्ट कंडक्टेड बाई हिम उन्होंने टाइम स्टडी और मोशन मोशन स्टडी के बारे में बात किया अब देखिए टाइम स्टडी क्या है मोशन स्टडी क्या है टाइम स्टडी का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक काम है उसको करने में कितना एक स्टैंडर्ड कितना टाइम लगता है इसको उन्होंने मेजरमेंट uh, की बात कही थी और मोशन स्टडी मतलब कि मोमेंट ऑफ मशीन्स कोई भी काम करने में जो मोमेंट ऑफ मशीन में जो टाइम लगता है उसको मोशन uh, स्टडी बोलते हैं तो जब मोशन स्टडी का जो टाइम है उसको जब हम रिड्यूस करते हैं तो ओवरऑल जो टाइम है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में जो ओवरऑल जो टाइम है जब यहाँ पे मोमेंट ऑफ मशीन का जो टाइम है ये कम होगा तो ओवरऑल टाइम कम होगा जब ओवरऑल टाइम कम, कम होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसके बाद में नॉन एज द फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट फ्रॉम द प्लानिंग फंक्शन टू एग्जीक्यूटिव फंक्शन उन्होंने प्लानिंग फंक्शन और एग्जीक्यूशन फंक्शन दोनों को सेपरेट किया वो पहला ऐसा आदमी था उन्होंने दोनों को सेपरेट किया लेकिन इसमें एक भी एक इसका ड्रॉबैक क्या है कि प्लानिंग और फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जब सेपरेट करते हैं तो इसमें फिर मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है नेक्स्ट है फंक्शनल फॉर मैन कंसेप्ट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाई हिम फंक्शनल फोरमैन सिस्टम होता क्या है देखिए फंक्शनल फोरमैन सिस्टम जो है यही है प्लानिंग सिस्टम और एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन सिस्टम है इसी की बात करता है इसमें फॉरमैन कंसेप्ट में होता क्या है पूरे जो मैंने जो टीम है उसको जैसे आठ आदमी का टीम होता है उसमें उसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं चार चार आदमी का टीम बना देते हैं एक टीम क्या करेगा प्लानिंग करेगा और दूसरा टीम क्या करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा है ना तो इस तरह से दोनों पॉइंट लगभग एक ही है Thank you for watching this video. Now, be with my channel and uh, share and uh, subscribe my channel. Once again, thanks for watching my channel. Thank you. Thank you very much.